नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल टैसी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ICR 2020 का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ये ICR 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो हम में एक स्टूडेंट से अवेलेबल हुआ है, तो हम आपको भी इसको अवेलेबल करा रहे हैं। इसमें हम इस वीडियो में हम केवल बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप ICR की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपी कैटेट, BHU, BSCAG या फिर किसी अन्य स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें। अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसे नोट कर लें, क्योंकि ये न्यू ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं इस वाले पेपर में जो आए हैं ICR 2020 के क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग हॉर्सेस। तो यहाँ पर हॉर्सेस के नेम दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो यहाँ पर इन्हें करेक्ट सिक्वेंस में लगाना था इवोल्यूशन के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन हॉर्सों में, तो इसमें हायराकोथेरियम पहले नंबर पर आया था, उसके बाद आया था मीज़ोहिप्पस, तीसरे नंबर पर आया था यहाँ पर मेरीचिप्पस, चौथे नंबर पर आया था पिलियोहिप्पस और लास्ट में आया था इक्वस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा BADCE। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। फॉलोइंग क्लिनिकल एप्लीकेशन वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विद एडिनोसाइन डीएमएनए डिफिशेंसी एंड दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन। तो ये इन्वॉल्व होता है जीन थेरेपी एंड प्यूराइन मेटाबोलिज्म। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर ये मैचिंग के क्वेश्चन था, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है वो होता है हमारे लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से, तो एक का तो थर्ड हो जाएगा। इसके बाद हीमोफीलिया एक रिसेसिव जीन है, फर्स्ट हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी ऑफ ए क्रोमोसोम की वजह से। और लाइनफेंटल सिंड्रोम जो है वो एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम जब हो जाता है तो तब होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोरगम एंड मेज प्लांट शो बेटर प्रोडक्टिविटी एंड टॉलरेंस टू ए हायर टेम्परेचर ड्यू टू पलजेंस ऑफ ए मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म की वजह से सोरगम और मेज प्लांट बेटर प्रोडक्टिविटी और हाई टेम्परेचर से टॉलरेंस दिखाते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्योंकि उनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट बढ़ जाती है, इसलिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग हाइड्राल सक्सेशन। तो यहाँ पर ये हाइड्राल सक्सेशन दिया हुआ था, तो इनका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन बिलो। तो वाटर में प्राइमरी सक्सेशन के करेक्ट सीक्वेंस में ये लगाने थे। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले फाइटोप्लैंकटन होंगे। अगर वाटर सिस्टम की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो होगा फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन के बाद आएगा यहाँ पर रूटेड हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स के बाद आएगा यहाँ पर सेजिस, सेजिस के बाद आएगा यहाँ पर ग्रासेस, ग्रासेस के बाद ट्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जीनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। इज द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कोडेड बाय एन mRNA प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द RNA। तो यहाँ पर इसकी हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बताई थी RNA में क्या होगी अगर ये वाली सीक्वेंस अमीनो एसिड को कोड की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पर शुरू में मैथ दिया हुआ है, तो मैथ के लिए हमारा जो कोडिंग करता है वो करता है AUG। तो यहाँ पर AUG सभी में है। दूसरे नंबर पर देखते हैं LA9, तो LA9 के लिए यहाँ पर कोड करता है हमें GCU। और इसके बाद बात करें हम ग्लाइसिन के लिए, ग्लाइसिन के लिए कोड करता है यहाँ पर GGC, तो GCU, GGC, UU। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद और देखें यहाँ पर GCU और GCG दोनों इसको कोड कर सकते हैं LA9 को। इसके बाद GGG और GGC ये दोनों भी कोड कर सकते हैं ग्लाइसिन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BND ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामेरिज
सिगमेंटेशन इज फाउंड इन, तो मेटामेरिक सिगमेंटेशन जो है वो पाया जाता है फेरेटीमा, जिसमें कैचवे वगैरह होते हैं उसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स इन्हेंस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय, तो एंजाइम जो है किसी केमिकल की रेट को लोअरिंग द एक्टिव एनर्जी ऑफ द रिएक्शन करके बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, साइटोक्रोम बी, एनएडी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम सी, एफएडी, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज कंपाउंड्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, तो उसी के क्रम में इनको लगाना था। तो इसमें जब हम लगाएंगे तो इसमें ये इस प्रकार से लगेगा कि सबसे पहले तो एनएडी की बात होगी, फिर उसके बाद हमारा आएगा एफएडी, एफएडी के बाद आएगा हमारा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद आएगा हमारा साइटोक्रोम सी, और साइटोक्रोम सी के बाद आएगा साइटोक्रोम ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है मल्टीपल एलील का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो डायब्रिड क्रॉस का रिजल्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के लिए क्या सही है, तो द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज लार्जर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये बिल्कुल सही है। द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज लेसर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज लार्जर देन द सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी सही है। द पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज लेसर देन द सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए एंड सी जो करेक्ट हैं वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करैक्टरिस्टिक फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, तो करैक्टरिस्टिक फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। द सेल्स बिकम इनलार्ज्ड, सेल बड़ी हो जाती हैं। सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड पोजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई। न्यू सेल वॉल डिपॉजिटेड, द सेल्स अटेन देयर मैक्सिमल साइज, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा द सेल्स आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड पोजेस। ये जो हम सभी आंसर बता रहे हैं ये हम जो ICR की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसी के हिसाब से बता रहे हैं, हम अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की, इन ट्रांसपिरेशन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज एडेड बाय ए चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑकर्स इन स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, तो डे टाइम के समय स्टोमेटा में कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये बताना था, टू गार्ड सेल्स फ्लैंक इच स्टोमेटल पोर व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेज, द थिन आउटर वॉल्स बल्ज आउट एंड फोर्स द इनर वॉल, द इलास्टिक इनर वॉल्स ऑफ स्टोमेटल पोर रिगेन देयर शेप, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। इसके बाद बात करें सी की, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द गार्ड सेल्स ओरिएंट रेडियली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली, ये भी राइट है। द गार्ड सेल्स लोज टर्गर, टू गार्ड सेल्स फ्लैंक इच स्टोमेटल पोर व्हेन टर्जिडिटी डिक्रीज, तो यहाँ पर ए और सी केवल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब बात करें, इन एन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट इन ऑर्डर टू इन्फेक्ट माइस, इन विच सम प्रोड्यूस स्मूथ साइनी कॉलोनीज, अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज, लेटर द माइस इन्फेक्टेड विद द स्मूथ स्ट्रेन डाई फ्रॉम इन्फेक्शन, बट इन्फेक्टेड विद द रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया डोंट डेवलप इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्क्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो ये जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो वाला एक्सपेरिमेंट बताता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिपीटेड यूज़ ऑफ द सेम क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू मैनेज एन इंसेक्ट पेस्ट कैन कोज डेट्रीमेंटल चेंजेस इन द जीन पूल ऑफ ए पेस्ट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट इन द इंसेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल जो है वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक डाउन रॉक्स टू रिलीज मिनरल्स कैन फिक्स नाइट्रोजन एंड आर एक्सीलेंट इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये तो सभी को मालूम होगा कि लाइकेन जो है बहुत ही अच्छे इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन है पोल्यूशन है, और मिनरल्स रिलीज करते हैं रॉक पर, ये सबसे पहले
पहुंच जाते हैं, पायोनियर कहलाते हैं और नए ट्रेंड भी फिक्स करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये मैचिंग का क्वेश्चन है। टिटनी, तो टिटनी जो है वो एक रैपिड स्ट्रेंथनिंग मसल हो जाता है, तब उसको टिटनी बोलते हैं। तो ए का 4 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का जो 4 है वो यहाँ पर दो ऑप्शंस में है। इसके बाद बात करें मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो एक जीनेटिक डिसऑर्डर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में इनमें से कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए थे। बात करते हैं, एनी स्पीसीज इवॉल्व्ड व्हेन वन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर। यस, हो सकती है। द इनिशियल स्टेज ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ए पॉलीमॉर्फिज्म दैट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पेस विद इन ए पॉपुलेशन। इसके बाद बात करें हम, एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन ज्योग्राफिकली सेपरेट पॉपुलेशंस बिकम अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस एंड दस दे बिकम जीनेटिकली डिफ्रेंशिएटेड। हाँ, ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर फर्स्ट और ये सी हो सकता है। सेसेशन ऑफ द जीन फ्लो बिटवीन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन लीड्स ओवर टाइम टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो ये भी हो सकता है। स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द लार्जर ग्रुप एंड फॉर्म ए न्यू स्पीसीज, तो ये मुश्किल है। तो यहाँ पर ए सी और डी की तरफ जाएंगे हम, तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए सी एंड डी ओनली। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मैचिंग का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ICER के जो पेपर होता है बायोलॉजी का, उसमें बहुत से क्वेश्चन मैचिंग के ऊपर आते हैं, और जितनी मैचिंग होगी, जैसे ये पूरी मैचिंग है तो ये एक चैप्टर से रिलेटेड है केवल, अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो आप मैचिंग पर ध्यान दें। यहाँ पर बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए का 3rd हो जाएगा। इसके बाद इन दो में 3rd है। इसके बाद बी कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, तो कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस बनाकर रखते हैं ब्लड का, तो यहाँ पर बी में 4th यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं सी का 2nd यानी कि हेनलेस लूप मेंटेनेंस ऑफ हाई स्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टाइनल फ्लूड्स प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लड, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जोटिक स्पेसीज, तो एग्जोटिक स्पेसीज जो है वो दीज आर न्यू स्पेसीज एंटरिंग ए ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल सही है। दे मे कॉज द डिसअपीयरेंस ऑफ द नेटिव स्पेसीज, यहाँ ये भी हमें बहुत केस में देखने को मिला है। दे हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड्स हाईली थ्रेटन्ड आईलैंड इकोसिस्टम, यस ये भी देखने को मिला है। दे आर कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन, मेजर तो हम नहीं बोल सकते, तो इसका ए बी और सी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन था एक और। एब्सिसिक एसिड की बात करें, तो एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी को रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। जिब्रेलिन की बात करें, तो जिब्रेलिन जो है यहाँ पर सिनेसेंस को डिले कर सकता है। ऑक्सिन की बात करें, तो ऑक्सिन जो है वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है कई फ्रूट्स में, और इथाइलिन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है बैसिलस थुरिंजियसिस या बीटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिक दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट बट नॉट बैसिलस बिकॉज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोक्सिन इन बैसिलस, तो इसी स्टेटमेंट्स को हम सही मान सकते हैं, क्योंकि इसी कारण क्योंकि वह इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है बैसिलस के अंदर, इसलिए उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता। बात करें स्टेटमेंट 2nd की, बैसिलस थुरिंजियंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स बट नॉट बैसिलस बिकॉज टॉक्सिन रिक्वायर्स एल्कलाइन पीएच अवेलेबल इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स एंड विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इंटू एन एक्टिव फॉर्म, तो एक
एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन दोनों ही स्टेटमेंट हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिमैन बाई प्रोसेसिंग ए कैरियोटाइप एनालिसिस इन विच डिवाइडिंग सेल्स आर अरेस्टेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एट बाय एडिशन ऑफ, तो यहाँ पर हमें बढ़ना था, तो ए पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एट मेटाफेज बाय एडिशन ऑफ कोल्चिसिन, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ए फॉर्म ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन विच ए ट्रेट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग थ्रो नॉन क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक मीन्स थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द फिनोमिना ऑकर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे इंटरसेलुलर पैरासाइट्स रिसाइडिंग एज एंडोसिम्बायंट्स ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन डीएनए एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑल ऑफ द वो, तो इसमें सभी जो ऑप्शन है वे राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ फॉर सम रीजन अवर गोबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट, तो गोबलेट सेल्स अगर नॉन फंक्शनल हो जाए तो ये किसको ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीबेसियस ग्लैंड ये तो नहीं होगा, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म ये भी नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टेटिन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टिन, ये है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें हमारा भोजन जो है वो स्मूथ मूवमेंट नहीं करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए सिंथेसिस इज फॉलोड बाय ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट, तो इनमें बताना था कि कौन सा सीक्वेंस जो करेक्ट है माइटोसिस के जो इवेंट्स होते हैं उसके सीक्वेंस बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखे थे एम फेज जी टू जी एंड जी वन जी टू एम फेज एंड जी वन जी वन एम फेज एंड जी टू जी वन जी टू एंड एम फेज, तो इसमें जी टू फेज के बाद एम फेज आता है और एम फेज के बाद जी वन आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, ए वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द वायरुलेंस ऑफ ए पैथोजन अंडर लेबोरेटरी कंडीशन सो दैट इट कैन कोज ओ नो और माइल्ड इन्फेक्शन इन ए वैक्सीनेटेड पर्सन इज नोन एज, तो इसको हम बोलेंगे एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इनमें हमें पढ़ना है इन सेक्सुअली डाइमॉर्फिक स्पीसीज द मेल्स आर ओफन लार्जर लॉन्गर स्ट्रोंगर मोर ब्राइटली कलर्ड एंड मोर एग्रेसिव, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ वे डाइमॉर्फिक स्पीसीज में जो मेल होता है वो स्ट्रोंगर होता है ब्राइटली कलर्ड होता है और एग्रेसिव होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं इंक्रीज्ड साइज कॉन्स्पिकस ऑर्नामेंटेशन एंड एग्रेसिवनेस इन मेल आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, ये भी सही है काफ़ी हद तक, तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को लगाना है, तो इसमें सबसे पहले बात करें सबसे नीचे स्तर पर आएगा स्पेसीज, स्पेसीज इन दो में ही है, तो हम एक और पता चलते ही पूरा आंसर हमारे हाथ में होगा। इसके बाद आता है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है, फिर उसके बाद आता है हमारा क्लास, क्लास के बाद आता है हमारा फाइलम, फाइलम के बाद आता है किंगडम, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इन ग्लाइकोलाइसिस द कन्वर्जन ऑफ 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट टू पाइरूविक एसिड आर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, हाँ ये दोनों ही एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस हैं, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन ग्लाइकोलाइसिस द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट एंड कन्वर्जन ऑफ PGL टू 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट आर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, तो ये सभी जो हैं सभी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस नहीं होती लेकिन इनमें एनर्जी लगती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन की बात करें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 3
इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो यहाँ पर एक और मैचिंग का क्वेश्चन, एलोए कॉटन टोमेटो मस्टर्ड, और यहाँ पर इनकी दी हुई है फैमिली। तो जो एलोए है, एलोए संबंध कर रखता है अपना, यहाँ पर बात करें तो लिलियासी फैमिली से, कॉटन की बात करें तो कॉटन कॉटन रखता है यहाँ पर मैलवेसी से, टोमेटो की बात करें तो टोमेटो सोलेनेसी, मस्टर्ड ब्रैसिकेसी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्पर्मेटो जीनेटिक स्टेजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस के सीक्वेंस बताना था हमें करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर उसके बाद स्पर्म बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और मैचिंग का क्वेश्चन, टी डब्ल्यू एंजेलमैन। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर इनका रोल दिया हुआ है कि इन्होंने किस में कुछ रोल क्या है, तो उसके उससे मिलाना था। तो यहाँ पर एंजेलमैन की अगर हम बात करें तो एंजेलमैन जो हैं वे उन्होंने इल्यूमिनेटेड क्लेडोफोरा पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद बात करें जोसेफ प्रिस्टले की, तो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था एयर का रोल प्लांट के ग्रोथ में। तो ये इसका फर्स्ट हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ओकर्स इन आवर बॉडी इफ द न्यूरल सिस्टम्स ऑफ मेडुला एंड पोन्स रीजन आर नॉन फंक्शनल। तो क्या होगा बॉडी में अगर ये मेडुला और पोन्स जो है नॉन फंक्शनल हो जाएं? इम्पल्सिस फ्रॉम टिश्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसनट्रेशन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। न्यूरल सिग्नल्स कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी रिदम कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर। तो मेनली काम जो है वो रिस्पायरेटरी से जुड़ा हुआ ही होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 ही हो जाएगा कि रिस्पायरेटरी रिदम मेंटेन नहीं रह पाएगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस आर। तो उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है आर्कियोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आर। तो किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन इराइथ्रोपोएटिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, सिक्रेटिन, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन। तो किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से हमें इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलता है। इसके बाद बात करें हम, सिक्रेटिन भी निकलता है और रेनिन भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैचिंग के हैं। मैचिंग के बाद अगर हम बात करें तो किसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वे हैं स्टेटमेंट के, यानी कि 2 स्टेटमेंट देता है और दोनों स्टेटमेंट में पूछता है कि इनमें स्टेटमेंट पढ़कर बताना होता है कि कौन सा राइट है स्टेटमेंट, कौन सा गलत है, या फिर दोनों फाल्स हैं, या पहला ट्रू है दूसरा फाल्स है, इस प्रकार से पूछते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन, आफ्टर मेटिंग क्वीन बीज प्रोड्यूसेस बोथ फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। तो इस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये सही है कि मेटिंग के बाद जो क्वीन बी है वो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों प्रोड्यूस करती है। फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस क्वीन एंड ड्रोन्स, वेयर एज अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस द वर्कर्स। तो ये जो है ये वाला अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, आंसर सीट के हिसाब से ISR के द्वारा जो जारी की करी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिलर एंड उरे इन 1953 कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट
टू टेस्ट द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, व्हाट वर द कंपाउंड्स दे हैड टेकन इन द क्लोज्ड फ्लास्क। तो उन्होंने क्या लिया था अपने फ्लास्क में, तो ये आप सभी जानते होंगे। तो उन्होंने लिया था मिथेन ली थी, हाइड्रोजन ली थी, अमोनिया गैस ली थी और वाटर लिया था। तो यहाँ पर वन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन से कौन सा क्लोजली रिलेटेड एंसेस्टर है, तो वो है होमो इरेक्टस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोरेंसिक ऑफिसर ऑब्टेंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल फ्रॉम ए क्राइम सीन इन ऑर्डर टू एग्जामिन द सैंपल बाय डीएनए फिंगरप्रिंट, ही मस्ट फर्स्ट एम्पलीफाई द डीएनए सैंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ही वुड यूज टू एम्पलीफाई द सैंपल। तो वो कौन सी टेक्निक का प्रयोग कर सकता है यहाँ पर, तो वो यूज कर सकता है PCR का, यानी कि DNA पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल कीटोन्यूरिया अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन इनटू टायरोसाइन। फिनाइलएलानाइन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ए, तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो किस मैकेनिज्म की वजह से ब्लड स्ट्रीम में हमारा फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए थे, इनकॉर्पोरेटेड इंटो स्मॉल मिसलीज, मूव इंटो द इंटेस्टाइनल मस्कुलरिस, रिफॉर्म्ड इंटो स्मॉल प्रोटीन इन द लिम्फ वेसल्स। तो ये इस तरह तो नहीं होता, इनकॉर्पोरेटेड इंटो स्मॉल मिसलीज, मूव इंटो द इंटेस्टाइनल मस्कुलरिस, रिफॉर्म्ड इंटो स्मॉल प्रोटीन इन द लिम्फ वेसल। तो वह पहले तो स्मॉल मिसलीज के रूप में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, फिर वह इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव हो जाता है, उसके बाद वो वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड काइलो माइक्रोन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो लिम्फ वेसल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जहाँ तक है वो यही सब दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 कंबाइंस विद राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट डूरिंग कार्बोक्सिलेशन। कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द फोटोकेमिकली मेड ATP एंड फॉर्म्स NADPH एंड CO2 एक्सेप्टर राइबुलोज 1,5 फॉस्फेट। ऑल दीज इवेंट्स टेक प्लेस इन, तो ये सभी जो इवेंट्स होते हैं वे होते हैं केल्विन साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय कोलोइड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज ए स्पोरोफाइट एंड द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पोलन ग्रेन्स एंड इम्प्रोसैक रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, इन एंजियोस्पर्म द ओव्यूल्स एंड एंथर्स रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट्स वेयर एज अदर पार्ट ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइट। नो इट इज़ नॉट ट्रू। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द फॉलोइंग विच वन प्रोवाइड्स द बेस्ट ओवरऑल पिक्चर ऑफ द फंक्शनल नेचर ऑफ द कम्युनिटी टू एन इकोलॉजिस्ट। तो इनमें से कौन सा एक बेस्ट पिक्चर प्रेजेंट करता है जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि ये फंक्शनल नेचर है पूरी कम्युनिटी का। तो ऑप्शन दिया गया था फूड वेब, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसमें जो सही होगा वो होगा बिल्कुल पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद हाई फीवर एंड शिवरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ही वाज डायग्नोज्ड लेटर विद प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन्फेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पैरासाइट्स लाइफ साइकिल इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द फीवर एंड शिवरिंग। तो फीवर और शिवरिंग उसको जो स्टेजेस होती हैं उन पर क्यों बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें बताना था कि फीवर और शिवरिंग का मेन कारण क्या होता है और क्यों यह एक रेगुलर इंटरवल पर होती है।
तो क्योंकि कुछ रेगुलर इंटरवल पर ही जो है यहाँ पर मीरोजाइट्स रिलीज किए जाते हैं और हीमोजोइन रिलीज किए जाते हैं आरबीसी में, तो इसी के कारण तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ए हेल्थ वर्कर्स यूजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर द क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द सार्स कोव टू इन द ओरोफेरिंजियल स्वैब्स कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ सस्पेक्टेड कोविड-19। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत करंट का क्वेश्चन था, ये कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना और नोट करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर RT-PCR है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर एक और मैचिंग का क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। तो ये थ्योरी जो है वो दी थी हमें लैमार्क ने, जिसमें जिराफ वगैरह भी बताया था उन्होंने, जिराफ की गर्दन के बारे में बताया था बहुत कुछ। थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस, तो थ्योरी ऑफ पेंजिनेसिस दी थी हमें चार्ल्स डार्विन ने। म्यूटेशन थ्योरी दी थी हमें ह्यूगो डी वरीज ने। और न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन ये दी थी हमें किमियूरा ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो यहाँ पर एक और मैचिंग का क्वेश्चन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है वो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो होती है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद बात करें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो यहाँ पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम ये होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट के डालने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि हम सभी PDF फाइल्स वहीं पर डालते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मैं तभी डालूंगा जब इस वीडियो पर लाइक 100 पहुँच जाएंगे, तभी डालूंगा मैं फिजिक्स का पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।